लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमीरपुर लोकसभा 47 के लिए 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के प्रत्याशियों सहित 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने पत्र दाखिल किए। इस दौरान नामांकन स्थल से भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 10 अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि होगी और 29 अप्रैल को यहां मतदान होगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता अन्ना प्रथा प्लस अभी जो भ्रमण के दौरान जो मैंने देखा, जो ऐसे गांव जो बरसात के टाइम में 3 महीने जिनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, वहाँ का आदमी कोई बाहर नहीं निकल पाता है और हर साल उन 3 महीनों में 6-7 लोगों की कैजुअलिटी होती है। बनने के बाद अगर मैं बनता हूँ, जनता मुझे चुनती है, सबसे प्रथम काम मेरा ये होगा कि जो मेरी लोकसभा के 15-20 गांव हैं उनको मैं कैसे भी करके, उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, उनको मैं कैसे ये व्यवस्था दे पाऊँ कि बरसात के दिनों में वो लोग बाहर आएँ और उनके लोग जिंदा बच सकें। आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया है और इस बार जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों के लिए काम किया है। हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको आप देखें, 72,000 रुपये हर गरीब के खाते में आएगा और 22 लाख नौकरी मार्च तक देंगे। हर साल 10 लाख नौकरी केवल ग्राम पंचायतों को मिलेंगी, तो किसानों का भी भला होगा और किसानों के लिए बजट में अलग से प्रावधान है।